Jungle. मेरा नाम अजय डी दुबे, कामदार नेता। क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे ये हैं कि चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है, मजदूरों को जो हक नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे लेबर एक्ट में कायदा लागू है उस कायदे को अमल नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके पिछले 2-3 महीने से हमारे यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन जो किया गया उस आंदोलन को लेकर अभी तक जैसे कि हमने लिखित में श्रम विभाग अधिकारियों को, प्रशासन को, यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी को एक नकल रवाना किए थे, अभी तक इस हमारे दिए गए ज्ञापन का किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर मजदूर यूनियन प्रतिनिधियों और मजदूरों में नाराजगी देखी गई। और नाराजगी को लेकर हमने इस 22 तारीख को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा कि 22 तारीख को धरना प्रदर्शन देकर हम कलेक्टर साहब को अपनी बात से और हुआ कुछ ऐसा कि प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के नाते हमको अनुमति नहीं दी गई, जिस बात को लेकर हमारी एक टीम कमिश्नर श्री सतीश जी शर्मा जी से मुलाकात की कि भाई हमको परमिशन नहीं दिया गया है, इसका क्या वजह है। तो सतीश शर्मा जी ने बताया कि परमिशन तो आपको मिल जाएगा, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप जो चीज़ धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर साहब को मिलके आप करना चाहते हैं उस चीज़ को मैं अगर आपको शांति वातावरण बनाकर और कुछ आपकी टीम को भेज कर उनसे बातें करा कर आपकी बातों को रखवा दूं तो क्या तकलीफ है। तो हमने सर, हमारे यूनियन के प्रतिनिधियों ने इस बात को मानकर हमने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से हमारी मीटिंग कराई, कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि श्रम विभाग के अधिकारी, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के पदाधिकारी और मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि सबको 22 तारीख सुबह 10 बजे बुलाया गया है और वहाँ धवल पटेल जी के मौजूदगी में ये कार्यक्रम रखा गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटेल जी हमारे साथ अच्छा इंसाफ करेंगे, हमारे मजदूरों के हक के लिए एक अच्छा परिपत्र जारी करेंगे, ऐसी मुझे विश्वास है। और इस बात को लेकर मैं पटेल जी और सतीश शर्मा, कमिश्नर सतीश शर्मा जी का और कलेक्टर श्री धवल पटेल जी का आभार व्यक्त करता हूं।